गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यार आज का जो ब्लॉग होने वाला है इसके अंदर हम लोग कुछ स्टैश की टेस्टिंग करने वाले हैं, जो कि दिवाली के क्रैकर्स हैं जो मैं लेकर आया था कुछ वीडियोस पहले मार्केट से। और मैंने आप लोगों को मार्केट का भी ब्लॉग दिखाया था कि किस तरह से मैंने परचेज किया, कितने कितने प्राइसेस मैंने एक चीज के दिए हैं। तो आज उसी स्टैश की टेस्टिंग करके देखेंगे कि क्या क्वालिटी है उनकी, क्योंकि मैं लेकर आया था सनशाइन और स्टैंडर्ड ब्रांड के जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो स्टैश की टेस्टिंग शुरू करें उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल बटन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर होने वाला है गिव अवे जो कि होगा दिवाली वाले दिन 27th को। सो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो भाई जल्दी जाके फॉलो करो, क्योंकि काफ़ी सारे गिफ्ट्स होने वाले हैं गिव अवे में। सो जितने ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे गिव अवे में, बेसिकली उतने ही ज़्यादा मैं गिफ्ट्स देने वाला हूँ। सो इसीलिए भाई जल्दी जाओ फॉलो कर लो। अब मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ क्या क्या आइटम्स हैं मेरे पास। सो गाइस ये सारे आइटम्स हैं जो आज यूज़ होने वाले हैं स्टैश में। सबसे पहले मेरे पास मैजिक बॉक्स हैं, ये मुझे बताया था बहुत सही चीज़ है और सस्ते भी हैं, 10 रुपये का एक है। बाकी ये जो फ्रूट वाले अनार हैं ये कुछ नई चीज़ है मार्केट में, तो इसे भी चला के देखेंगे। फिर ये 7 शॉट है मेरे पास, 7 अलग अलग कलर्स आएंगे इसमें। ये मेरे पास कलर्ड मैचस्टिक्स हैं, इन्हें भी चला के देखेंगे। ये आकाश गंगा वाला है, ये भी ऊपर जाएगा। इसके बाद ये वाला स्काई शॉट है, ये ऊपर जाएगा। एंड ये पॉप पॉप है, इन्हें भी चला के देखेंगे। फिर ये लाइन किंग है, इसे भी करके देखते हैं कि है क्या चीज़ बेसिकली ये। उसके बाद ये वाला अनार है, ये सायरन वाला अनार। एंड ये भी भाई ऊपर जाने वाला है, ड्रैगन टेल। सो ये सारा का सारा स्टैश है जिन्हें आज हम जलाकर देखेंगे और देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है सब। सो गाइस मैंने आप लोगों को आइटम देखो सारे दिखा दिए हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक्चुअल लोकेशन पे जहाँ पर हमने इसकी टेस्टिंग करनी है। सो गाइस क्रैकर्स मैंने आपको सारे दिखा दिए थे घर पर, अब क्या हो गया जहाँ मैं क्रैकर्स को जलाने आया हूँ वहाँ होने हुई बारिश थोड़ी थोड़ी, तो इसीलिए सारे क्रैकर्स मैंने कार के अंदर रख दिए और कार के अंदर बैठे तनवीर। हाँ भाई तनवीर जी कहीं, अरे वो छोड़, ये देख लो भाई सारे क्रैकर्स हैं और एक एक करके शुरू करते हैं। एक एक करके तन्वी तेरे हाथ में क्या है इस टाइम? ये मेरे प्यारे दोस्तों ये देखिए रॉबिन माचिस। ये रॉबिन माचिस है, कलर्ड माचिस है ना ये? हाँ भैया, इसके अंदर से निकलेगी ऐसे डब्बे और डब्बे में से निकलेगी माचिस के तिलिया। तो चलाओ आप यहाँ से जला सकते हैं, जल्दी जलाओ फिर। जी सर। तो भाई तन्वी जला के दिखा, ये देख लो भाई मैचस्टिक की तरह जलेगी बिल्कुल। जला, जल गई भाई, कलर तो इसमें सही है भाई, जल भी अच्छी रही है, ब्राइटनेस तो अच्छी है इसकी, देख लो भाई। हाँ भाई क्या ये सायरन वाला आइटम जो है, ये सायरन वाला अनार है, इसे जला के देखेंगे जो तेरे हाथ में पेंसिल है उससे। अच्छा इससे जलाएंगे? इससे जलाएंगे, उल्टी क्यों है ये? इससे जलाएंगे भाई, देख लो ये पेंसिल है मेरे हाथ में। अब इसके अंदर 2 बॉक्स है, अब मुझे ये नहीं पता कि टोटल आइटम कितने हैं। कोई बात नहीं, देख जितनी पैकिंग है ना ये गंदी वाली, ये इसको गाड़ी में रख दो। हाँ डिस्पोज ऑफ द वेस्ट। ये तो थोड़ा बड़ा सा है सायरन, सायरन वाला अनार भी है प्लस इसमें ना ये भी है इसको होल्ड करने के लिए ताकि गिरे ना। ये सही है वैसे तो, ये चीज़ तो सही है भाई, कचरा भी नहीं होगा किसी चीज़ में लगाने का, सही है भाई। सो भाई ग्रीन वाली पेंसिल से जलाएगा ये सायरन वाला अनार। जला दिया भाई? हाँ। सायरन की आवाज़ तो आई नहीं, जलने तो दे। अच्छा ये देख लो भाई, क्रैकलिंग है यार। ये तो गलत चीज थी, अभी तक जल रहा वो। तो ये तो खतरनाक था भाई, सही था ये तो, मजा आया, मजा आ गया भाई इसमें, ये थी बढ़िया चीज। हाँ चीज तो बढ़िया थी। तो भाई थर्ड आइटम क्या है तन्वी तेरे पास? ये गेस करो, चवन्नी दूंगा। अरे नहीं नहीं बता, जल्दी बता भाई। ये है एक स्काई शॉट टाइप का, अच्छा ऊपर जाएगा फटेगा। और इसका नाम क्या है डब्बे का? इसका नाम क्या है? आकाश। आकाश स्काई। तो ठीक है इसे उड़ाओ फिर, चलो 1 2। ये बढ़िया था भाई, ऊपर जाके गुड वन, पता नहीं लगा कितनी जल्दी गया। भाई क्या क्या लेके घूम रहा है तू ये हाथ में? भाई मेरे पास ये है ना ड्रैगन टेल है, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा, स्काई शॉट टाइप का है, उसका ना ये भी दे रखा स्टैंड। तो सबसे अच्छी बात है स्टैंड जिस चीज में हो ना वो सबसे बढ़िया रहता है। हाँ इसे टेंशन नहीं रहती, टेंशन नहीं है तो मैं बोतलों में अटकाना है, पत्थरों में अटकाना है बैठ के। तो चलो ये देख लो भाई, ये नीचे ही रहेगा। हाँ क्रैकलिंग इसने यहाँ करी, डंडा वहाँ गिरा, मतलब वो ऊपर गया था बहुत। हाँ डंडा तो ऊपर ही गया है। हाँ भाई जी क्या है ये रंग बिरंगा? भाई आज जो मेरे पास ये वाला आइटम है ना ये सबसे ज़्यादा यूनिक मुझे लगा अभी तक के स्टैश का, जितना अभी तक हमने किया है काम। ये ना अलग अलग फ्लेवर्स का है, मतलब इसमें एप्पल फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है और उसके वाले अनार हैं, फ्लेवर्स वाले अनार। तो इसको खाना होता है? खाना नहीं, जलाना ही है, लेकिन बेसिकली हर जो फ्लेवर है उसके हिसाब से कलर आएगा, जैसे ही कलर दे रखें ऐसे ही अनार में से कलर निकलेंगे फिर। अच्छा ऐसा कुछ है ऐसा ये है। ये पाइनएप्पल है, हम पाइनएप्पल से टेस्ट शुरू करते हैं अपना। चल ठीक है, चल ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, अब ये जलना कैसे ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, कहीं तो लगेगी आग।
नहीं, आग तो कहीं तो लगेगी, ये बात तो सही है। हाँ, अनार है तो कहीं तो यही जलेगा, लगेगी इसकी आग। और जल गया भाई, ये देख। भाई कैसा लगा? ये तो कुछ अलग ही पीस था। मैंने देखो कहा था ना ये अलग ही चीज है। चीज तो सही थी, है छोटा जरूर था लेकिन है बड़ा टेढ़ा। हाँ। भाई तनवीर के हाथ में इस टाइम है मैजिक पॉप्स का बॉक्स। ये भाई 10 रुपए का एक बॉक्स है और ये ऐसे होते हैं जैसे पहले स्नेक आते थे ना, सेम वैसा है तनवीर ये, लेकिन क्रैकलिंग करेगा ये। अच्छा, तो इसे जल्दी से करते हैं, छोटी चीज है। सारे तो जला दूं? जला दे सारे। तो भाई ये देख लो कुछ इस तरह के दिखते हैं ये, और तनवीर के हाथ में है पेंसिल जिससे जलाने वाला है। ये बढ़िया आइटम है भाई, छोटा सा। तनवीर के हाथ में अब एक और आइटम है जो कि है पॉप पॉप। हाथ में फट गया, हाथ में फट जाएगा ज्यादा प्रेशर देगा तो। पन्नी खोलता था क्या ये? मुझे दे हाथ में, ले पकड़। तुमसे ना हो पाएगा यार, ये बात सही था ये छोटू से। तो भाई तनवीर के हाथ में एक अलग आइटम, ये मैंने अभी तक नहीं देखी ना, मुझे लगता है आप लोगों ने भी देखी होगी। दिखा भाई तनवीर क्या है ये? रॉकस्टार। ये इस तरह का इसका बॉक्स है और ये है रॉकस्टार के अंदर सामान, मतलब ये बेसिकली अनार है एक, और इसको यहाँ से जलाना है ऊपर से पेंसिल से, और देखते हैं कि क्या होता है फिर। पेंसिल ले गया, इसका बॉक्स दिखा, ये कुछ इस तरह की स्पार्कलिंग करेगा ऊपर जाके हवा में। ये देख लो भाई, इसे बेस पे लगा दिया, बेसिकली अनार है ये, बस थोड़ा दूर रह के जलाना है पेंसिल से, जला ही रहा है। बस जला दे, दूर रह के जला दे, बीच में बीच में। ये देखो कैसा लगा, सही था ये तो यार। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा डर रहा था बट वैसे चीज सही है। अबे वो अजीब सा लग रहा है ना, उसके ऊपर हाँ। पन्नी चढ़ी हुई, तो यू डोंट नो कि वो पन्नी उतारनी है कि ऐसे जलाना है, मतलब एक तरह से गिफ्ट ट्रैपिंग वाली शीट में था ये। सो गाइस, ये वाला जो आइटम है ये आज का लास्ट आइटम है। वैसे तो मेरे पास लायन किंग भी था बट वो मैं यूज करने वाला हूँ अपने स्काई शॉट वाले स्टैश में, उसमें भी मैंने एक वो परचेज किया था डब्बा, सो वो सब एक साथ रहेगा, स्काई शॉट वाला पार्ट तो ज्यादा बेटर है। ये हमारे पास सिग्नल रॉकेट है, बेसिकली क्या है इस डब्बे के अंदर 15 पीस है और 15 पीस में से 7 शॉट्स निकलेंगे एक पीस में से, मतलब ये देख लो 15 है इसमें नंबर्स अंदर, मतलब 15 रॉकेट हैं और 15 में से हर रॉकेट में से 7 शॉट्स निकलेंगे। मुर्गे ब्रांड का ये? हाँ जी। हाँ भाई, क्या तो ये पैकेजिंग? इस टाइप की इसकी में पैकेजिंग है, 3-3 के सेट्स में है। लो भाई, ये स्काई शॉट की तरह ही है, एक तरह से नॉर्मल शॉट है, पर ये ऊपर जाके देखते हैं कैसा कमाल करेगा। जल गया भाई, 7 शॉट्स आएंगे। बढ़िया बढ़िया है भाई, ये बढ़िया आवाज ही बढ़िया है। एक बार में 7 शॉट और 15 में कितने हुए कर लो? आता नहीं आता नहीं। सो गाइस, आप लोगों ने देखा आज का कंप्लीट स्टैश, सिर्फ लायन किंग को छोड़कर बाकी मैंने सब आप लोगों को दिखा दिया। लायन किंग भी मैंने आपको बता दिया, क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्काई शॉट की सारी रेंज जो होगी वो एक साथ ही मैं दिखाने वाला हूँ आपको, जो कि नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आने वाला है। क्यों भाई तनवीर? बिल्कुल, तो वो भी तू ही जलाएगा ना सारे? मैं ही जलाऊंगा। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन गुड बाय एंड टेक केयर।